हेलो हेलो, ये जिसका भी नंबर है ना, उनका एक अर्जेंट पार्सल मुझे कैफे में मिला था। क्या वो पैकेट आपके पास है? अच्छा, वो आपको मिल गया। हाँ जी, आप एक सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज। जी बात है पापा, आप चलिए। एक्चुअली ये कंफर्म करने के लिए फोन किया था मैंने इन्हें कि पैकेट में सब ठीक से अंदर था कि नहीं। ओके ठीक है, आ जाओ जल्दी। हाँ जी पापा। I'm so sorry, मैं वो पैकेट अभी लेने आता हूँ। अभी अभी तो बहुत लेट हो गया, आप ऐसा कीजिए कल सुबह लेने आ जाइए। प्लीज प्लीज प्लीज, वो पैकेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज प्लीज प्लीज, मना मत कीजिएगा प्लीज। आप जहाँ बोलेगी मैं वहाँ आकर ले लूंगा। ठीक है, अगर ये इतना अर्जेंट है तो आप ऐसा कीजिए, अभी 10:30 बजे तक आदर्श कॉलोनी के गेट पे आ जाइए। थैंक यू सो मच, मैं अभी आ रहा हूँ। थैंक यू। एकदम पागल लड़का है, धत तेरे की। बुला तो लिया लेकिन अब अकेले जाऊं कैसे? लेकिन क्या करती, बेचारा इतनी मजबूरी में था। पर मजबूरी में अपनी वजह से था ना, इतना जरूरी पार्सल था तो छोड़ा क्यों कैफे में? मैं भी ना एकदम बेवकूफ हूँ ना, शब्द तो खाटू महाराज ने मेरे डिक्शनरी में नहीं लिखी। क्या करूँ क्या करूँ, मैं पापा को बता देती हूँ। पहले तुझसे कितनी बार कहा था श्रीधर, इसे इतनी आजादी मत दे, एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिला के रख देगी। आखिर है तो अपनी माँ की बेटी ना। दादी मैं कैफे गई थी तो ऐसे वहां... कैसे कर सकती हो रुचि तुम? मैं तुम्हें कितना समझदार समझता था और इतनी बड़ी बेवकूफी। अरे लेकिन ऐसे कैसे किसी का तुम राह चलते पार्सल उठा के ला सकती हो? इसमें ड्रग्स हुई तो? ड्रग्स? बॉम्ब हुआ तो? बॉम्ब? हे मेरे खाटू श्याम जी, रुचि तूने तो अपने पापा को पूरी तरह से जेल भिजवाने की तैयारी कर दी। बेटा ये क्या किया तूने? नहीं नहीं, पापा मम्मी को बताया तो मम्मी का मीना कुमारी मोड ऑन हो जाएगा। एक काम करती हूँ, विवेक को साथ ले जाती हूँ, 200-400 के लिए ब्लैकमेल करेगा लेकिन काम हो जाएगा। हाँ। अरे नहीं, विवेक तो दोस्त के यहाँ ट्यूशन पढ़ने गया है, क्या करूँ? हाँ रुचि बोल। हेलो ज्योति, तू फ्री है क्या? फ्री? वो क्या होता है बहन, मैं कभी फ्री नहीं होती, मैं तो बाल मजदूर हूँ। कभी बर्तन धो, कभी बाजार जाओ, तो कभी दादाजी को गर्म पानी दो, तो कभी मम्मी के पैर दबाओ। बेटी के नाम पे नौकर हूँ मैं इस घर की, एक अकेली ज्योति से इस घर की मालकिन पूरे घर में उजाला करवाना चाहती है। सीधा सवाल पूछा था, हाँ या ना में जवाब देना, भाषण क्या देने लगती है? नहीं, जब तक मम्मी के मौसी के पोते की बीवी मेरे सोफे पे अपना आसन टिका के बैठी है तब तक मैं फ्री नहीं हूँ। ज्योति। अच्छा चल, मुगैम्बो बुला रही है, बाय। ज्योति भी बिजी है, अब अकेले जाना पड़ेगा। खाटू महाराज बस आज मुझे बचा लेना, आपकी कसम अगली बार से ऐसे पंगे नहीं लूंगी। अपनी रक्षा अब अपने हाथ। ये निहार कितना फ्लर्ट है ना, किसी भी लड़की को रिप्लाई नहीं करता लेकिन हर सुंदर लड़की की कमेंट पे इसका रिप्लाई जरूर होता है। हाय रितु दी, कैसे हो आप? हाय, मैं ठीक हूँ, तू बता? एकदम परफेक्ट। और बताओ आज मेरी याद कैसे आ गई? कैसी बातें कर रही है, याद तो हमेशा ही आती है, पर वो एक्चुअली घर और प्रिया के चक्कर में इतनी उलझ जाती हूँ कि तुझे फोन नहीं कर पाती। इसीलिए मुझे शादी के चक्कर में नहीं पड़ता। हाँ पता चला मुझे कि तूने एक बहुत अच्छा रिश्ता रिजेक्ट कर दिया है। अमृता यही वजह है या कोई और है लाइफ में? मतलब? अमृता बुरा मत मानना, पर मैंने देखा है तुझे और निहार भैया को साथ में और मुझे लगा कुछ है तो सोचा पूछ लूं। जॉली दी, इतना क्लियर है क्या? मतलब हम छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और शायद हमारा प्यार इतना गहरा है कि लोगों की नजरों में आ रहा है। अंकल आंटी को भी पता चल गया क्या?
ओह गॉड, अब क्या होगा? रितु दी, आप बात करोगे ना घर पे सबसे? दी, आप सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ 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 अमृता, अमृता तू और निहाल भाई, मतलब तू कैसे? क्या दी, मजाक कर रही थी मैं। कुछ नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। दोस्त? और आपको क्या लगता है आपका देवर इतना अच्छा है कि दो मीटिंग में मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगी? तू सच कह रही है राइट अमृता? हाँ दी, और उस लड़की को तो मैंने इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि उसकी फोटो से बहुत बोरिंग वाइब्स आ रही थी, और मुझे ना शादी के बाद एंजॉय करना है लाइफ, रोना नहीं है। अच्छा चल, मैं तेरे को कॉल करती हूँ। अच्छा सुन, निहार भैया को मत बताना कि मैंने तुझसे ऐसा कुछ भी पूछा है। ओके ओके, नहीं बताऊंगी। बाय बाय। कहाँ रह गई यार, आई क्यों नहीं अभी तक? गाड़ी तो यही है, यही होंगे शायद। जरूरत पड़ने पर कैची भी साथ है। हाय, आई एम रुचिता, वी जस्ट स्पोक, हियर इज योर पार्सल। मैम, ये वाली भाषा बिल्कुल नहीं आती है। आपका पार्सल आप कैफे में छोड़ाए थे ना? एक बात बताइए, इसमें इतना बड़ा बड़ा अर्जेंट लिखा है, आप इसे ऐसे कैसे छोड़ दिए? मेरी जगह अगर इसे किसी चोर टाइप इंसान ने उठा लिया हो। मैम, मैं ड्राइवर हूँ, साहब अंदर बैठे हुए हैं, जो बोलना है उनसे बोल दीजिए, मैं बुलाता हूँ। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। थैंक यू सो मच, आपने तो मुझे बचा लिया, मतलब सच्ची वाला फांसी से बचा लिया आपने मुझे। सॉरी। It's okay. Wow, smart है आप। वैसे सच में इतनी रात में किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर रात को तो बिल्कुल भी नहीं। हाय, I'm निहार। और आप हैं? सुबह तो अपना नाम बताकर आई थी, इतनी जल्दी भूल भी गया? रुचिता। नाइस नेम।
आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? काफी लेट हो गया। नहीं, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। पास में रहती हो, देन इट्स फाइन। वैसे भी आपके पास कैंची है, आप तो खुद को बचा ही सकती हो। पार्सल। हाँ। थैंक यू। आपका ये एहसान उधार रहा। श्रीधर जी, मैंने आपके पेपर्स देखे हैं, लेकिन किस आधार पे बैंक आपको लोन देगा? वैसे भी आपका होम लोन और कार लोन चल रहा है, और आप अकेले कमाने वाले हैं, गिरवी रखने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं। सॉरी, पर इस हिस्ट्री के साथ हम आपको लोन नहीं दे सकते। वेरी सॉरी जी। ठीक है, श्रीधर जी। अरे मोहनलाल जी, आप कैसे हैं? जी ठीक हूँ। बुरा मत मानिएगा, आपकी और बैंकर की मैंने बात सुन ली है। कुछ भी बकवास कर रहा था वो। ऐसे नहीं कि आपको लोन नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और। मतलब? पिछले साल मुझे मेरे बेटे के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए था। आप जैसा हाल था, बैंक लोन दे नहीं रहा था, लेकिन मुझे तो बेटे को पढ़ाना था ना, इसलिए मैं प्राइवेट कंपनी में गया। वहाँ पे मुझे लोन मिल गया, वो भी विदाउट पेपर वर्क के। ऐसे कैसे? वहाँ पे जरूर कुछ बात होगी ना? हाँ, बात तो है ना। वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 5% ज्यादा है। 5%? अगर आप फ्री हो तो चलिए बात करवा दूँ आपकी। ठीक है, चलिए आइए। क्या कर रही है तू? ये उस लड़के को स्टॉप कर दूँ? इतना सुना है उसके बारे में, देखूं तो जरा क्या चीज है। इतनी कौन सी महान आत्मा है जो हमारी रुचि का नाम ही भूल गया? छोड़ना, हमें कौन से उससे दोस्ती करनी है? क्यों नहीं कर सकते दोस्ती? फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं। क्यों भेजनी फ्रेंड रिक्वेस्ट? उसे मेरी शक्ल तक याद नहीं है और वो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा? भेज के देखने में क्या जाता है? नहीं ज्योति, मुझे शर्मिंदा मत कर। वैसे भी पापा उनके यहाँ काम करते हैं, बहुत अजीब हो जाएगा। सबसे जरूरी बात, उसे देख और मुझे देख, कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच। ठीक है। अच्छा ये सब छोड़, मेरे लिए ना शिकंजी लेके आ। इतना खाइए, अभी 2 मिनट पहले चाय पीना। तेरी ये फालतू तो बकवास ने ना मेरा चाय का पूरा मूड ही खराब कर दिया। ला के देगी या नहीं? ला रही हूँ। और मैं गधी नहीं हूँ, अपना फोन लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तुझ पे भरोसा नहीं। चल ले जा मेरी माँ। बेटा तू गधी है। रुचि.मित्तल पासवर्ड। रुचि का पासवर्ड क्या होगा? रुचि1234। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। निहार गोयल। ये ले तेरी शिकंजी। मम्मी का फोन आया था, आज वो लोग बाहर जा रहे हैं, तो मैं रात को तुम्हारे यहाँ स्टे करूंगी। अच्छा है, मजा आएगा। मजा तो आएगा। क्या हुआ लोन का? हाँ, बैंक गया था मैं लोन के लिए, पर ऐसे नहीं कि आपको लोन नहीं मिलेगा, मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 5% ज्यादा है। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी बात है ना कि हमें कोई कागज देने की जरूरत नहीं है। आप ना अब ज्यादा सोच विचार मत कीजिए, कल जाके हाँ बोल दीजिए।
तुम्हें ना ऋतु दी की शक्ल देखनी चाहिए थी, सदमे में चली गई थी। ये अच्छी बात नहीं अमृता, मेरी बेचारी भाभी की टांग नहीं खींचनी चाहिए थी तुम्हें। ओ हेलो, तुम्हारी भाभी से पहले ना मेरी बहन है वो, मैं उनके साथ मजाक कर सकती हूँ। ये लीजिए, चेंज रख लीजिए। थैंक यू मैम। ये क्या था अमृता, मैं पे कर रहा था ना। अगर लड़की पे कर दे तो तुम लड़कों के ईगो में बुलेट्स क्यों चल जाती है? ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें लड़कियों को खुश करना पसंद है। ये क्या तरीका है ख्याल रखने का? अगर दोस्ती बराबरी की है तो खर्चा भी बराबर का होना चाहिए ना। ख्याल रखने के नाम पे बेचारे लड़कों को लूटो तो मत। वाओ, तुम्हारी ये बात अच्छी लगी मुझे, वरना बिल भरना तो छोड़ो, लड़कियों को आजकल 50-50 करने के लिए भी बोलो तब भी दोबारा वो अपनी शक्ल नहीं दिखाती। पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। क्या है, तू हंस क्यों रही है? अब हंसना भी पाप है क्या? तुम्हारा प्रोफाइल देख रहे थे, सिर्फ सुंदर और खूबसूरत लड़की है तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में, और उन्हीं के कमेंट्स पर रिप्लाई करते हो तुम, बाकी किसी में इंटरेस्ट नहीं है ना तुम्हें? ओह, तुम मेरी जासूसी कर रही थी। टॉपिक मत बदलो निहाल, मुझे तो लगता है तुम ही उन लड़कों में से हो जो लड़कियों को उनकी सुंदरता से परखते हैं। बकवास है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहो तो मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ। दिखाऊं? ये देखो, ये एक ऑर्डिनरी सी लड़की रुचिता, अब इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। चल रुचि, मुंह खोल, एक ही बार में पूरा पूरा खाएंगे। मैं तो ना जान ले लूंगी। मुबारक, आज से निहार गोयल और तू फ्रेंड्स बुक पे दोस्त है। मैंने कहा था ना मुझे निहार को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है। क्या कर रही है तू? उसे अनफ्रेंड करके ब्लॉक कर रही है। मैं तो ना जान ले लूंगी। मुबारक हो, आज से निहार गोयल और तू फ्रेंड्स बुक पे दोस्त है। विवेक, दीदी को पानी दे, लगता है गुलाब जामुन अटक गया। ज्योति, अंदर चल ना, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। मम्मी, हम अभी आ रहे हैं। अच्छा जाओ। क्या पहनूं? मेरा क्लोजेट भी कितना बोरिंग हो गया यार, अपडेट करना पड़ेगा। ये सही है। दो मिनट भी नहीं रह सकती ना मेरे बिना। यार राइट, ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है ना मेरा तुम्हारे बिना। अच्छा, गेस व्हाट? व्हाट? तुमने उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी, राइट? शादी नहीं, आजादी है मेरी। मतलब? लंदन डिजाइन स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया है, थोड़े ही टाइम में कोर्स शुरू होने वाला है। वाव, कंग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू। अब इतनी बड़ी न्यूज है तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। ऑब्वियसली, कल मिलते हैं 11 बजे। डन, सी यू देयर, बाय। आज मैं ऑफिस देर से आऊंगा। आपके बाप का ऑफिस है बेटा, जब मर्जी मुंह उठा के आ जाओ। खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे नाम के आगे गोयल लगा है, बाहर तुम्हें कोई 2 मिनट खड़ा तक नहीं रखेगा, समझे? क्या है ज्योति, मैंने कहा था ना मुझे निहार को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है। अरे हाँ, तो तूने कहा भेजी? भेजी तो मैंने ही है। भेजी तो मेरे अकाउंट से है ना ज्योति, मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुझ पे भरोसा किया।
जितना खुद पेचे दिमाग है ना तेरा, शांत तो रह नहीं सकता। क्या कर रही है तू? झगड़े की जड़ी खत्म कर रही हूँ, उसे अनफ्रेंड करके ब्लॉक कर रही हूँ। मैंने अनफ्रेंड करने के लिए कब कहा? एक नंबर की नौटंकी है तू। तेरे ही मन का काम किया मैंने और मुझसे ही झगड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। अब जब उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ही लिए तो रहने देते हैं, कौन सा मुझे उसके साथ गप्पे लड़ानी है। अच्छा बेटा, बस 2 दिन का दिखावा था पूनम, फिर से धरे पे आ गए आपके लाडले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। घर के 4 लोग मिलकर नाश्ता ही तो कर रहे हैं, कोई ट्रेन थोड़ी ना पकड़नी है कि अगर 2 मिनट लेट हो गए तो ट्रेन ही छूट गई। हमारा छुटकू आज काम पे जा रहा है और मुझे इसकी बहुत खुशी हो रही है। मुबारक हो पूनम, हमारा छुटकू अब बड़ा हो रहा है। जी पापा, आज मैं ऑफिस देर से आऊंगा, तो बैंक में कुछ काम करना है। आपके बाप का ऑफिस है बेटा, जब मर्जी मुंह उठा के आ जाओ, आपको कौन पूछ रहा है। और अभी तुम इस लायक नहीं हुए हो कि तुम्हारे आने या ना आने पे कोई काम रुके। ऐसा क्यों कहते हैं जी आप? कोशिश तो कर रहा है ना बेचारा, धीरे धीरे बन जाएगा लायक भी। भूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं पूनम, और आपके लाडले की हरकतें तो जग जाहिर हैं। पापा, अभी तो मैंने काम स्टार्ट किया, मुझे थोड़ा तो टाइम दो, मैं अच्छा करूंगा पापा। पहले ही बहुत टाइम ले चुके हो निहार, अब टाइम नहीं है तुम्हारे पास। खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे नाम के आगे गोयल लगा है और इसलिए तुम यहाँ मेरे सामने बैठकर इस तरह से बात कर पा रहे हो। बाहर तुम्हें कोई 2 मिनट खड़ा तक नहीं रखेंगे, समझे? लूजर हो तुम, लूजर। छोड़ो ना, ये बुड्ढा ऐसा नहीं मानेगा। श्रीधर अंकल। हेलो। श्रीधर जी पर अटैक हुआ है। छोड़ो ना, ये बुड्ढा ऐसा नहीं मानेगा। श्रीधर अंकल। हेलो। श्रीधर जी पर अटैक हुआ है।